स्टूडेंट्स वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए। स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 यानी कि द लार्ज स्मॉल एंड जॉइंट फैमिली वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर में हमने स्मॉल लार्ज एंड जॉइंट फैमिली के बारे में जाना था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ फैमिली मेंबर्स सो दैट दे कैन, वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले हम आगे का रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल फैमिली, यानी कि स्मॉल फैमिली क्या है उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा फर्स्ट चैप्टर में जाना था। स्मॉल फैमिली यानी कि रेखा फैमिली, हमने चैप्टर 1 में जाना था कि रेखा थी वो एक लड़की थी और उसकी फैमिली थी वो स्मॉल फैमिली थी। उसकी फैमिली में एक उसका भाई, उसके मम्मी पापा थे, इसलिए 4 व्यक्ति हुए मेंबर्स, इसलिए उसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। सो पेरेंट्स विथ 1 or 2 चिल्ड्रन मेक अ स्मॉल फैमिली। पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा और उसके 1 or 2 बच्चे हैं तो वो स्मॉल फैमिली हुई। देन आफ्टर हमने लार्ज फैमिली के बारे में जाना। लार्ज फैमिली उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था डेविड्स फैमिली। डेविड एक बॉय था और उसकी फैमिली थी वो लार्ज फैमिली थी। पेरेंट्स विथ 3 or more चिल्ड्रन यानी कि मम्मी पापा है और उसके 3 or more यानी कि 3 or 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे हम लार्ज फैमिली कहते हैं। देन आफ्टर हमने जॉइंट फैमिली के बारे में जाना था, उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था अब्दुल्स फैमिली, यानी कि अब्दुल था वो एक बॉय था और उसकी फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर इन अ सिंगल हाउस मेक अ जॉइंट फैमिली, यानी कि एक ही घर में मम्मी पापा उसके बच्चे अंकल आंटी दादा दादी उसके बच्चे कजिन्स उस सब एक साथ ही रहते हैं तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। देन आफ्टर हमने देखा था अदर फैमिली मेंबर्स, यानी कि हमने जाना था कि फैमिली मेंबर्स में कौन कौन रहते हैं। फैमिली मेंबर्स में हमने फर्स्ट ग्रैंडफादर के बारे में जाना था, यानी कि हमारे दादा और नाना को हम ग्रैंडफादर कहते हैं। फादर्स फादर और मदर्स फादर, पापा के पापा और मम्मी के पापा को हम ग्रैंडफादर कहेंगे। देन आफ्टर हमने सेकंड ग्रैंड मदर के बारे में जाना था, फादर्स मदर और मदर्स मदर यानी कि पापा के जो मम्मी होते हैं दादी उसे हम ग्रैंड मदर कहेंगे और मदर्स मदर यानी कि मम्मी के मम्मी को भी हम ग्रैंड मदर कहेंगे उसे हम नानी कहते हैं। देन आफ्टर अंकल, फादर्स ब्रदर यानी कि जो पापा के भाई है उसे हम अंकल कहेंगे और मदर्स ब्रदर यानी कि जो मम्मी के भाई है उसे हम अंकल कहेंगे बट उसे हम मामा कहते हैं गुजराती में। ऑल्सो आंट्स हस्बैंड यानी कि अंकल किसे कहेंगे, आंट्स हस्बैंड यानी कि जो आंट है हमारी काकी उसके पति हस्बैंड को हम अंकल कहेंगे। देन आफ्टर आंट यानी कि काकी, फादर्स सिस्टर यानी कि जो फादर पापा है उसकी बहन को हम आंट कहेंगे उसे हम फई कहते हैं और मदर्स सिस्टर यानी कि मम्मी की बहन को आंट कहते हैं उसे हम गुजराती में मासी कहते हैं। ऑल्सो अंकल्स वाइफ यानी कि अंकल की पत्नी को हम आंट कहेंगे। देन आफ्टर कजिन्स, कजिन्स ब्रदर कजिन्स सिस्टर, अंकल्स और आंट्स चिल्ड्रन यानी कि काका और काकी के बच्चे होते हैं उसे हम कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ फैमिली मेंबर्स सो दैट दे कैन, यानी कि अब हम जानेंगे कि हमारे फैमिली यानी कि कुटुंब में जो फैमिली मेंबर्स जो सदस्य है वो हमारी केयर कैसे करते हैं, हमारी सार संभाल हमारा ध्यान कैसे रखते हैं। सो हार्डवर्क्स भी हम साथ में ही लर्न करते जाएंगे, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी। सो हमारा 9 नंबर का हार्डवर्क है मनी, जो अब आगे आएगा। देखो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सो देयर लव फॉर देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इन मेनी वेज, यानी कि पेरेंट्स मम्मी पापा एंड ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी जो ग्रैंड पेरेंट्स है सो देयर लव वो अपना प्रेम लव फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए अपना प्रेम एंड ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों के लिए जो अपना प्रेम है वो दिखाते हैं इन मेनी वेज कई तरह से वो दिखाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं।
फर्स्ट है पेरेंट्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी, यानी कि मैंने आपको बताया पेरेंट्स है मम्मी पापा वो सख्त मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड टू अर्न मनी यानी कि पैसे कमाने के लिए वो सख्त मेहनत करते हैं। सो हमारा 9 नंबर का हार्ड वर्ड है मनी, MONEY, मनी यानी कि पैसा। देन है पेरेंट्स प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन विद फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स, यानी कि पेरेंट्स है मम्मी पापा वो प्रोवाइड करते हैं देयर चिल्ड्रन यानी कि वो अपने बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं विद फूड यानी कि खाना, शेल्टर यानी कि घर रहने के लिए एंड क्लोथ्स यानी कि नए नए कपड़े प्रोवाइड करते हैं। पहले वो मनी पैसे कमाते हैं और एंड देन आफ्टर वो अपने पैसे से बच्चों को खाना, शेल्टर एंड क्लोथ्स वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर सामने है पेरेंट्स प्ले विद देयर चिल्ड्रन यानी कि बच्चे के साथ मम्मी पापा खेलते हैं। जब उसे टाइम मिलता है वो जब ऑफिस से घर आते हैं तब हमारे साथ बच्चों के साथ खेलते हैं। सो यहाँ पर 10 नंबर का आपका हार्ड वर्ड है शेल्टर यानी कि रहने के लिए जो घर होता है SHELTER शेल्टर। देन 11 नंबर का हार्ड वर्ड है क्लोथ्स कपड़े CLOTHES क्लोथ्स। देन आफ्टर है पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन यानी कि जो मम्मी पापा है वो अपने बच्चों की टेक केयर यानी कि ध्यान रखते हैं, वो अपने बच्चों की सार संभाल करते हैं। देन आफ्टर है पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन गुड हैबिट्स यानी कि पेरेंट्स मम्मी पापा है वो अपने बच्चों को गुड हैबिट्स अच्छी आदतें सिखाते हैं। ये बुरी आदत है, ये अच्छी आदत है वो हमें कौन कहता है, हमारे मम्मी पापा कहते हैं। सो आपका 12 नंबर का स्टूडेंट्स हार्ड वर्ड्स है हेल्थ यानी कि अपनी तबीयत का ध्यान रखना HEALTH हेल्थ। देन आफ्टर सामने है पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज यानी कि मम्मी पापा है वो बच्चों की जो स्टडी यानी कि जो अभ्यास होता है स्टडी उसमें भी हेल्प करते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं। कुछ हमें क्वेश्चंस नहीं आते तो हम मम्मी पापा को पूछते हैं तो हमें वो बताते हैं। सो आपका 13 नंबर का हार्ड वर्ड है हैबिट्स यानी कि आदत HABITS हैबिट्स। एंड देन 14 नंबर का हार्ड वर्ड है स्टडीज अभ्यास STUDIES स्टडीज। देन पीछे है ग्रैंड पेरेंट्स प्ले विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड हेल्प देम लर्न टू डू गुड डीड्स बाय टेलिंग देम स्टोरीज यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे दादा दादी और नाना नानी है प्ले विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि जो अपने दादा दादी के बच्चे यानी कि हमारे पापा और उसके बच्चे यानी कि आप सभी लोग बच्चे तो वो हमारे दादा दादी के ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एंड हेल्प देम लर्न टू डू यानी कि वो उसको उसके साथ प्ले यानी कि खेलते हैं और हेल्प देम यानी कि वो उसे मदद करते हैं। कहाँ पर मदद करते हैं, टू लर्न यानी कि सिखाने में, क्या सिखाने में, गुड डीड्स यानी कि कोई अच्छा कार्य करने के लिए। सो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 नंबर का हार्ड वर्ड है डीड्स यानी कि कोई कार्य, कोई हम कार्य करते हैं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमें हेल्प करते हैं और हमें सिखाते हैं, ये गुड डीड्स यानी कि अच्छी बात है DEEDS डीड्स। देन आफ्टर है बाय टेलिंग देम स्टोरीज यानी कि वो ग्रैंड पेरेंट्स है दादा दादी नाना नानी वो अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं और उससे हमें कहता है कि हमें जीवन में लाइफ में ऐसे कुछ करना चाहिए, बहादुरी दिखानी चाहिए, कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, वैसे हमें गुड डीड्स यानी कि अच्छी आदतें सिखाते हैं। देन आफ्टर है चिल्ड्रन कैन शो देयर केयर फॉर देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन मेनी वेज यानी कि चिल्ड्रन बच्चे यानी कि आप सभी लोग कैन शो दैट दे केयर फॉर देयर पेरेंट्स यानी कि आपको भी दिखाना चाहिए कि आप अपने मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आप अपने दादा दादी नाना नानी को कितना प्रेम करते हैं इन मेनी वेज, आपको भी उसे हेल्प करना चाहिए इसलिए उसे भी पता चले कि आप भी उसे कितना प्रेम करते हैं। सो आपका यहाँ पर 16 नंबर का हार्ड वर्ड है एल्डर्स चिल्ड्रन शुड स्टडी वेल यानी कि बच्चों को शुड स्टडी यानी कि अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए वेल अच्छी तरह से, आप सभी को पढ़ना चाहिए इसलिए आपके मम्मी पापा को अच्छा लगे और उसे भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं हमारा बेटा और बेटी
अच्छी तरह से स्टडी कर रहा है। देन आफ्टर सामने है चिल्ड्रन शुड हेल्प एल्डर्स एट होम, यानी कि बच्चों को आप सभी को हेल्प करना चाहिए। एल्डर्स यानी कि बड़े, पीपल हु आर ओल्डर यानी कि जो बड़े हैं उसे हम एल्डर्स कहते हैं। एट होम यानी कि घर पर जो बड़े हैं उसे आपको हेल्प करना चाहिए। तो आपका 16 नंबर का हार्ड वर्ड्स हो गया एल्डर्स, ई एल डी ई आर एस, एल्डर्स बड़े हैं उसे हम एल्डर्स कहते हैं। देन आफ्टर 3 नंबर चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ वन अनदर, यानी कि बच्चे आप सभी को एक दूसरे का टेक केयर यानी कि ध्यान रखना चाहिए। आपको आपके जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, मम्मी पापा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए और उसे हेल्पफुल होना चाहिए। देन आफ्टर दैट चिल्ड्रन शुड डू देयर वर्क देमसेल्फ्स, यानी कि बच्चों आप सभी को अपना कार्य काम है वो खुद अपने आप ही करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि मम्मी आप मेरा काम कर दो, पापा आप मेरा काम कर दो, ऐसा नहीं। आपको आपका काम जाते ही खुद ही करना चाहिए। सो आपका 17 नंबर का हार्ड वर्ड है ओबे। सामने है चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड लिसन टू व्हाट दे से, यानी कि चिल्ड्रन यानी कि आप सभी को बच्चे को शुड ओबे यानी कि मानना चाहिए। ओबे का मतलब है मानना, यानी कि आपका 17 नंबर का हार्ड वर्ड हो गया ओबे, ओ बी ई वाई ओबे। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स यानी कि चिल्ड्रन को बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए एंड ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी की बात भी माननी चाहिए। एंड लिसन टू व्हाट दे से यानी कि सुनना भी चाहिए कि क्या कह रहे हैं। देन आफ्टर चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि बच्चों को अपने पेरेंट्स मम्मी पापा एंड ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी की दादा दादी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, मम्मी पापा को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स आपका 18 नंबर का हार्ड वर्ड है रिस्पेक्ट। किसी को हम रिस्पेक्ट कहते हैं उसे मान से बोलते हैं और उसे हाई हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट हुआ। टीचर्स को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं तो उसे हम रिस्पेक्ट हुआ, वो टीचर्स को रिस्पेक्ट दिए। तो आपका 18 नंबर का हार्ड वर्ड है रिस्पेक्ट, आर ई एस पी ई सी टी रिस्पेक्ट। देन आफ्टर है चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, मैंने आपको पहले बताया आपको भी अपने बड़े भैया भाई छोटे भैया छोटी बहन और मम्मी पापा और दादा दादी का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी टेक केयर यानी कि उसका ध्यान रखना है। एंड शो देयर लव टुवर्ड्स देम और अपना प्रेम उसे दिखाना है कि आपको हम कितना प्रेम करते हैं। सो नीचे येलो कलर का बॉक्स है स्टूडेंट्स, आपको वहां पर टिक दी करेक्ट आंसर यानी कि जो ऑप्शन है उसमें से राइट आंसर है वहां पर टिक करना है। फर्स्ट नंबर है पेरेंट्स प्ले विद देयर चिल्ड्रन, सो आंसर आएगा चिल्ड्रन, बच्चे के साथ पेरेंट्स मम्मी पापा खेलते हैं। देन सेकेंड चिल्ड्रन शुड यानी कि बच्चों को शुड ओबे देयर पेरेंट्स यानी कि अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो जो कहते हैं उसे सुनना है और उसे मानना भी है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स लिखा है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर द वर्क, यानी कि जो मेंबर्स कुटुंब के अंदर जो सदस्य है उसे अपना कार्य एक दूसरे के साथ बांटकर मिलजुल कर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपना कार्य, इसलिए काम है वो जल्दी से खत्म हो जाए और इजीली हो जाए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शेयर द हाउस होल्ड वर्क एंड हेल्प ईच अदर, यानी कि ऑल द फैमिली मेंबर्स जो घर के अंदर सदस्य है वो सभी को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए द हाउस होल्ड वर्क यानी कि जो घर का कार्य है उसे मेंशनिंग यानी कि बांट देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर यानी कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है और आपका 19 नंबर का हार्ड वर्ड है वो है लव, एल ओ बी ई यानी कि प्रेम। आपको अपना प्रेम मम्मी पापा और दादा दादी को बताना चाहिए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। एंड देन 20 नंबर का हार्ड वर्ड है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी कि घर का जो कार्य होता है, एच ओ यू एस ई एच ओ एल डी हाउस होल्ड। सो हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया,
और हार्ड वर्ड्स भी कंप्लीट किए। सो आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है और हार्ड वर्ड्स को भी अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।